हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग DHT सेंसर का यूज़ करके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजरिंग करना सीखेंगे। पहले तो हम इस डाटा को फायरबेस में भेजेंगे। फायरबेस में स्टोर होने के बाद अपने एंड्रॉयड ऐप में इसको फेच कराएंगे इस डाटा को, और ये काफ़ी कूल लगेगा इसको बनाने में। और मैं फायरबेस में बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ ऑलरेडी, अगर आप लोगों ने उन सारी वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। फायरबेस डेटाबेस का यूज़ करके मैंने काफ़ी सेंसर्स का यूज़ किया, मतलब सेंसर का यूज़ करके उसके डाटा को फेच कराया अपने एंड्रॉयड ऐप में, और ये भी एक DHT सेंसर का यूज करके अपने डाटास को फेस कराऊंगा अपने एंड्रॉइड ऐप में। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चल के आप लोगों सारा कुछ बताते हैं कि कैसे कोड अपलोड करना है, क्या कुछ करना है, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप लोगों ने याराना यूट्यूब ग्रुप को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं अब तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये कोड ओपन करके रखा हूँ और ये कोड आप लोगों को दिखा समझा देता हूँ कि इस कोड को हमको कैसे यूज़ करना है। बेसिकली फायरबेस का यूज़ तो हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ में किया है, तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार ही बता दूँ। यहाँ पे मैंने कुछ लाइब्रेरीज़ का यूज़ किया है, वाईफाई और एक फायरबेस का और एक DHT का और एक फायरबेस क्लाइंट सिक्योर का, वो वाईफाई क्लाइंट सिक्योर का। तो इसमें बेसिकली हमने किया क्या है कि यहाँ पे फायरबेस का जो URL होता है, फायरबेस का URL हमने डाला है एंड फायरबेस का जो ऑथेंटिकेशन की होता है उसको डाला है यहाँ पे, एंड SSID और पासवर्ड हमारा हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे पिन, हमने पिन मोड को डिफाइन किया है DHT पिन, और उसके बाद यहाँ पे DHT हमने पिन को चार, पिन नंबर 4 में इसको डिफाइन किया। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे एक काफ़ी एक्स्ट्रा बनाया है, मतलब कि जो SMTP सर्वर का यूज़ करके, जो हमारा जिसमें अगर हमारा जो 25 मतलब कि 25 डिग्री टेम्परेचर से अगर हमारा ज़्यादा होता है, मतलब 25 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो हमको क्या करेगा, एक मेल भेज देगा हमारे मेल ID पे yaranaiotguru@gmail.com। तो यहाँ पे इस पे हमने मेल, मतलब कि मेल को लिया है, मतलब कि सेंड कराया है, और हमने जो सेंड करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है होस्टिंगर, जो हमारा होस्टिंगर का हमारा डोमेन है smtp.hostinger.com। उसके बाद जो हमने पोर्ट नंबर सेलेक्ट किया है 465, ये उसके बाद यहाँ पे ईमेल, जो हमारा ईमेल का, जो हमारा डोमेन का ईमेल है support@yaranaiotguru.in, आप लोग यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने पासवर्ड को डाल दिया है, इसका जो पासवर्ड है। एंड उसके बाद यहाँ पे जैसे कोड है, यहाँ पे मैं कोड को और भी समझा देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। बाकी यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट होता है, वाईफाई कनेक्शन कंप्लीट होता है, उसके बाद यहाँ पे IP एड्रेस को शो कराता है, एंड जब हमारा वाईफाई कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुली होने के बाद यहाँ पे लूप चलता है। यहाँ पे सेंड ईमेल करके हमने एक फंक्शन बनाया है, यहाँ पे टेम्परेचर को यहाँ पे सेंड कराया है, मतलब कि फ्लोट में हमने टेम्परेचर को यहाँ पे रिसीव किया है। एंड रिसीव करने के बाद इसको स्ट्रिंग वैल्यू में लिया है, एंड स्ट्रिंग वैल्यू में लेने के बाद हमने यहाँ पे इसको सेंड कराने के लिए, मतलब कि जो टेम्परेचर है और करेंट टेम्परेचर, मतलब जो करेंट टेम्परेचर है, यहाँ पे एक HTML की टाइप का हम एक यहाँ पे टेम्पलेट बना रहे हैं ईमेल को सेंड करने के लिए। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें IP एड्रेस के साथ में सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा जो फायरबेस में डाटा को सेंड कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यूज स्लैश करके टेम्परेचर, फिर उसके बाद वैल्यूज स्लैश करके ह्यूमिडिटी, तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को हम सेंड कर रहे हैं। और ये कोड आप लोगों को मिल जाएगा हमारे yaranaiotguru.in वेबसाइट पे। तो बेसिकली ये कोड हमारा पूरा ऐसे ही काम करता है। यहाँ पे हमने ये 25 डिग्री, मतलब कि अगर हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री के ऊपर जाता है तो हमारा जो मेल सेंड है, टेम्परेचर जो हमारा मेल सेंड है, तो यहाँ पे ये मेल सेंड काम कर जाएगा, मतलब कि ये रन कर जाएगा। तो अभी चलते हैं हम अपने yaranaiotguru.in वेबसाइट पे, आप लोगों को कोड यहाँ पे डाउनलोड करना कैसे। जैसे ही आप लोग गूगल पे आके सर्च करेंगे yaranaiotguru, उसके बाद यहाँ पे पहले नंबर पे आप लोगों को वेबसाइट मिल जाएगी, यहाँ से आप लोगों को कोड भी मिल जाएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके बाद अभी चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ फायरबेस का थोड़ा सा कनेक्शन करना, और जो हमारा SMTP का है, SMTP में अगर आप लोगों के पास होस्टिंगर है या फिर कोई अदर सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो सबका अलग अलग SMTP जो होस्ट नेम होता है वो सबका अलग अलग होता है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना।
तो यहाँ पे मैं फायरबेस को ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा सेंसर का डाटा आता है उसको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। एंड बेसिकली मैंने इस पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाया हूँ, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने फायरबेस का डाटाबेस को कनेक्शन करना कम्प्लीट बताया था। और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसका थंबनेल, और नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और वहाँ पर आप लोगों को कम्प्लीट समझाया गया कि फायरबेस का कनेक्शन कैसे करना है अपने कोड के साथ। तो बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ, बस इतना सारी चीज़ें हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लाइब्रेरी में बता दूँ, यहाँ पे लाइब्रेरी आप लोगों को आर्डुइनो जेसन फॉर्मेट का लाइब्रेरी आप लोगों को यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट को सिलेक्ट करना है, पोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को इस कोड को अपलोड कर देना है। एंड अपलोड करने के बाद चलिए अभी हम इसको कनेक्शन चेक कर लेते हैं, कनेक्शन में सारी चीज़ें हमारी टेस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ESP32 है और DHT सेंसर है, और इसका कनेक्शन करने के लिए हमको जम्पर वायर की ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइस यहाँ पे हमने जम्पर वायर ले लिया है, और इसमें कनेक्शन क्या बेसिकली है मैं आप लोगों को सर्किट डायग्राम, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो में, तो बेसिकली इसमें कनेक्शन का मतलब ये है कि इसमें तीन पिंस हैं, मतलब कि जो हमारा DHT सेंसर है, एक VCC है, और नीचे वाला ग्राउंड है, और बीच वाला जो है DAT कर गया है। तो DAT वाले को हमको पिन नंबर 4 में जोड़ देना है, और बाकी VCC ग्राउंड जैसे हम लोग जोड़ते हैं उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हम कनेक्शन कर देते हैं। सो बेसिकली अभी हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, अभी चलिए हम इसको टेस्टिंग कर लेते हैं और क्या कैसे है हमारा आउटपुट देखते हैं क्या आता है। सो गाइज अभी हम चलिए इसका टेस्टिंग करते हैं। एंड यहाँ पे मैं सो गाइज अभी हम इसका यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं इस DHT सेंसर के साथ। इसको थोड़ा सा यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसका और इसको टेस्ट करते हैं। तो थोड़ा सा डिले का मतलब ये है कि यहाँ पे फायरबेस के सर्वर पे जाएगा हमारा डाटा जो है, तो यहाँ पे पहले जो सेंस करेगा जो हमने अभी टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सो गाइस अभी यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टेम्परेचर अभी 23 था, अभी 25 हो गया है, और ह्यूमिडिटी हमारा कम हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो गया है, और ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट। सो यहाँ पे ह्यूमिडिटी हमारा 54% हो गया है, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी 33% हो गया, एंड जो हमारा टेम्परेचर था 39 सेल्सियस हो गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो नीचे कमेंट करके बताइए, उसका सलूशन मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है, मतलब कि कोई अदर प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर कोई अदर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियोज जरूर लाऊंगा। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, और अगर आप लोगों ने याराना यूट्यूब ग्रुप को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।